नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप देख रहे हैं समय आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, लगातार हमारे देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको लेकर आप और हम सभी अपनी बात को मंच पर रख सकते हैं, किसी भी सरकार के सामने रख सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमारी बात को रख सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। हर व्यक्ति अपनी बात को अपने मन से अपने हिसाब से रख सकता है। लगातार हम देख रहे हैं हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम को लेकर भी, और अनेक जो आंदोलन है वो लगातार चलते आए हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि सभी के विचार जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अभी लगातार हम देख रहे हैं हमारे देश में जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं किसान, वो अभी आंदोलन में है और दिल्ली को चारों तरफ से उस आंदोलन के नाम पर सभी ने घेर रखा है अपनी बातों को मनवाने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा किसान जो हैं रवि विश्नोई जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं रवि जी। साथ ही हमारे पास वरिष्ठ समाज सेवी व्यक्ति हैं जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आप हैं पंचशील जैन साहब। पंचशील जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के विचार से समर्थन रखने वाले डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी। तो सबसे पहले आप दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और सबसे पहले मैं रवि आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देश की जो बागडोर है वो युवाओं के कंधों पर होती है। तो मैं रवि आपसे जानना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन चल रहा है समय, उस पर आप अपनी क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? दरअसल दीपक सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपको, और आपने जो टर्म इस्तेमाल की है युवा किसान, ये दरअसल राजनीति में युवाओं का इस्तेमाल ज्यादा होता है, युवा नेता और युवा राजनीति, पर किसान जो परिवार में पैदा हुआ है सर, वो बचपन से ही, उसका बच्चा भी किसान है और उसका बुजुर्ग भी किसान है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं किसान परिवार से रहता हूँ और आप लोगों के बीच भी रहा हूँ, पत्रकारिता भी की है। परंतु अब जो आपका ये सवाल है कि किसान उद्वेलित क्यों है, इसका सीधा सा फंडा मैं मेरे हिसाब से बता देता हूं आपको। हम सभी देशवासियों ने 2014 में और उसके बाद में जब 2019 में चुनाव हुए तो ये सोचा था कि हमारी अपनी सरकार बन रही है, या हमें इस तरह से बताया गया कि ये हमारी अपनी है, पहले वाली बातें अब नहीं है, अब ये जो कुछ भी हो रहा है इस देश में हिंदुस्तान का वो अपना है। और इस अपनेपन की वजह से शायद कुछ उम्मीदें इतनी ज्यादा हो गई कि ये तमाम अपने अपना अपना हक अधिकार जो है वो लेना चाह रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि जब भी किसान अब बात कर रहा है आंदोलन की, और दिल्ली में पिछले 15 दिनों 16 दिनों से बैठा हुआ है, तब ये कहा जा रहा है कि पिछले 60 साल से किसानों का शोषण हो रहा है, अब आप साहब क्यों नहीं बोले, या उन 60 साल वालों ने कुछ नहीं किया, अब आप हमसे क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हो। एमएसपी की खासतौर से जब बात आती है तब उसका जवाब मेरी तरफ से ये है कि साहब 60 साल हमारे अपने नहीं थे, आप मान लीजिए हमारी अपनी सरकार अब आई है, हमारे अपने जैसे प्रधानमंत्री अब आए हैं, हमारे अपने जैसे कृषि मंत्री अब आए हैं, और अब हम उम्मीदें लगा बैठे हैं इस सरकार से, हमारे अपनों से, जिन्होंने पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें दी है। तो अब सबका नंबर आ गया, धारा 370 का नंबर आ गया, नोटबंदी का आ गया, पाकिस्तान का इलाज कर दिया, अब साहब किसानों का भी इलाज कर दीजिए, उम्मीद तो थी, ये हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ये तीन बिल साहब, लोगों को ये कहा जाता है कि किसान अनपढ़ हैं, भोले भाले हैं, बहकाव में आ चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं, परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं सर, किसान हम सब प्लानिंग कर लेते हैं, जो नौकरी करते हैं ना सर, जो सरकारी नौकर है प्राइवेट नौकर है, वो प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारी बेटी की शादी में हम कितना पैसा खर्च करेंगे और वो पैसा कहां से आएगा। किसान प्लानिंग नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता कि उसकी फसल की आमदनी जो होती है उसको 6 महीने बाद में होती है। मैं आज से चंद महीनों पहले तक एक पत्रकार था, तो मेरी तनख्वाह हर महीने आती थी और मुझे पता था दूध वाले को इतना पैसा देना है, सब्जी का इतना है, बच्चों की फीस इतनी है, मकान का किराया इतना है, लाइट पानी का बिल इतना है। परंतु किसान को 6 महीने से उसकी आमदनी, उसकी फसल बाजार में जाएगी, उसके पास पैसा आएगा, तब वो अपनी प्लानिंग करेगा, और अपनी प्लानिंग जब वो करता है तब उसके हाथ में, जब वो कई अलग अलग रूप होते हैं किसानी के सर, बीज बोते वक्त आपकी मानसिकता किसान की अलग होगी, कल्टीवेट करते वक्त अलग होगी, फसल को धीरे धीरे बड़े करेगा तब उसकी मानसिकता अलग होगी, फसल पकाओ पे आ जाएगी तो किसान के चेहरे पर खुशियों से ज्यादा वो उम्मीदें आने लग जाती है कि मुझे ये काम करने हैं। और जो वो मंडी में जाता है सर, तो वहां जाके लूट जाता है, उसको जो सरकार के द्वारा तय एमएसपी है उस वो दाम भी नहीं मिलते,
अब रही बात ये साहब कि मंडियां तो सरकार जो है इसके प्राइवेट निजीकरण देना चाह रही है, मतलब एक आपको किसान को विकल्प और दे रही है कि आप एपीएमसी में बेचिए, चाहे आप निजी किसी व्यापारी को बेचिए, आपको भाव जहां अच्छा मिल रहा है वहां बेचिए, जहां मर्जी आए वहां बेचिए। आप तो अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, अब आपके लिए जो पूरा मार्केट है रवि जी वो खुल गया है, बिल्कुल सर, अपने सामान को बेच सकते हैं, तो इसमें तो कहीं कोई नुकसान की स्थिति मुझे नजर नहीं आती। नहीं आती, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है सर, परंतु मेरे खेत से मैं कहीं भी ले जाने के लिए जो वाहन इस्तेमाल करूंगा उस वाहन का प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ता जाएगा और मेरी फसल की जो लागत है एमएसपी तो उतनी ही मिलनी है मुझे, यहां भी इतनी मिली और मैं जयपुर आके बेचूंगा तो भी एमएसपी तो फिक्स है, अब मैं जयपुर क्यों आऊंगा? अब यहां ये है कि आपके खेत से ही आपकी फसल खरीद ली जाएगी, परंतु सर जो एपीएमसी मंडियां जो पहले से चल रही है, जो आड़तिया जिसके पास मैं हारी बीमारी के अंदर जाता हूं और कहूंगा भाई साहब मुझे पैसे चाहिए 1,00,000 रुपए, मेरी बेटी की शादी है, बहन की शादी है, वो दे देगा भले ही वो ब्याज पर देगा। आप किसान क्रेडिट कार्ड हाथ में लेकर बैंक में नहीं जा सकते और वहां से पैसा नहीं ले सकते, ये प्रैक्टिकल धरातल पर क्या हो रहा है वो चीजें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, अब कम्युनिकेशन गैप आ रहा है सर सरकार और किसानों के बीच में, सिर्फ इतना सा ही गैप है कि जो धरातल की बातें हैं वो सरकारी कारिंदे जो है वो समझा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को, और मोदी जी जो है इस आंदोलन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सीधे साधे किसान की बात। देखिए अभी कुछ देर पहले ही जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो पूरे किसानों के साथ है, वो किसान की हर बात मानने को तैयार है, लेकिन किसान जो है लगातार इसी बात पर अड़े हैं कि वो जो तीनों बिल है उनको तुरंत कैंसिल किया जाए, उसके बाद ही बातचीत का दौर आगे चलेगा। मैं पंचशील जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा कि सरकार जो लगातार 6 राउंड की जो बातचीत है वो पहले भी हो चुकी है और आज भी अभी कुछ देर पहले भी किसान नेताओं से नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई है, सरकार ने अपना प्रस्ताव भी दिया है, अब देखना है कि उस प्रस्ताव पे किसान जो है वो क्या अपना निर्णय लेते हैं। आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं? क्या जो 70 साल पहले लगातार किसान जो है आत्महत्याएं भी कर रहे थे, लगातार हम देख रहे थे कि परेशानी के कारण कर्ज के कारण वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 6-6 महीने का जो राशन है वो लेकर वहां पर सारे किसान लोग बैठे हैं, इसका मतलब आगे के 6 महीने की तैयारी उनके पास पहले है, यानी कि जैसे कि रवि जी कह रहे थे कि अभी 6 साल से नरेंद्र मोदी सरकार है, तो इसका मतलब 6 साल में उन्होंने इतना तो किया है ना कि वो आगे के 6 साल का पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं। पंचशील जी देखिए 15 दिन से ये आंदोलन चल रहा है जी, और सरकार बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है, जैसे आप बताया 6 मीटिंग्स हो चुकी है जी, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है, वो कहने को तो ये बोल रही है कि हम किसानों की हर बात मानेंगे, अगर मानते तो पहली मीटिंग में खत्म हो जाता, दूसरी में हो जाता, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है और इधर किसान भी अड़े हुए हैं, किसान अपना भला चाहते हैं, सरकार अपना भला चाहती है, अब सरकार को क्या भला है होगा ये सोचने की बात है। अगर किसानों के हक में ये बिल होते तो किसान आंदोलन पे नहीं जाते, तो किसानों को क्या तकलीफ थी अगर उसको फायदे का ही होता, लेकिन किसान ये समझ रहे हैं कि ये इस तरह का बिल है जिसमें किसान बहुत बुरी तरह फंस जाएगा और आत्महत्याएं बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो बिल है इसमें एमएसपी का को खत्म कर दिया गया है जी। अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी का हम आपको वर्बली अपने मौखिक हम आपको बोल देते हैं कि नहीं खत्म होगा, लेकिन मौखिक का कोई भरोसा नहीं किसान कर पा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं रह गया सरकार पे। किसान चाहते हैं आप लिखित में ही नहीं दें, आप कानून में बदलाव करें कि एमएसपी रहेगी। बदलाव के लिए तो सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, बदलाव करने को तैयार तो कर ही रहे हैं, 6 बार लेकिन किसानों की जो राकेश टिकैत है उन्होंने, किसान नेता जो दूसरे भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब तो बातचीत तभी होगी जब आप तीनों बिल जो है वो कैंसिल करेंगे, तो बात यहाँ पर अटक जाती है। नहीं तो वो 6 बार बात कर चुके हैं ना, और वो देख रहे हैं कि सरकार अड़ी भी है, कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, तभी तो ये बात है ना। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कही गई है तो उसमें तो वो किसानों को एक तरह से जो कॉरपोरेट हाउस है बड़े बड़े वो एक तरह से उसको घेर लेंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वो जितना होगा जिस रेट पे होगी उस रेट पे उसको देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देगा जबरदस्ती तो नहीं, अगर वो नहीं दे पाया तो 6 महीने में वो कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा तो उसमें ये है किसान उसमें इसमें ऐसा है कि किसान के हाथ बहुत बन जाएंगे, इसमें किसान कोई केस भी नहीं कर पाएगा और किसान केस कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही इतने गरीब रहते हैं, इनके पास इतना फंड भी नहीं रहता,
न उनके पास कोई घूमने का केस लड़ने की उनकी ताकत रहती है, तो वो सारी छोटे किसान कुछ नहीं कर पाते हैं, बस वो एक तरह से फंस जाएंगे। और इसमें और एक किया गया है कि बहुत सारी चीजों को आवश्यक वस्तुओं से हटा दिया गया है, आलू है, प्याज है, तिलहन है, दलहन, इनको आवश्यक वस्तुओं से हटा गया। इनकी कालाबाजारी कल से चालू हो जाएगी अगर ये लागू हो जाता है तो। ये जो कॉर्पोरेट हाउस है ये इसका स्टॉप करेंगे और कालाबाजारी करेंगे, और जिस टाइम में ये फसल आएगी जी वो छोड़ देंगे। तो बिल्कुल, मैं आपकी बात से, क्योंकि आपका दर्द जो है, जो किसान का दर्द है, वो ज्यादा बेहतर अपना दर्द समझ सकता है, वो महसूस कर सकता है। लेकिन मैं रवि जी, पहले रवि जी के पास वापस आना चाहूंगा, उसके बाद मैं पंशी जी आपके पास भी आना चाहूंगा कि इस आंदोलन का जो राजनीति के कारण हुआ है, जहां इस आंदोलन में हमने खुद ने देखा है, आपने भी देखा है कि खालिस्तान के नारे भी लगाए गए हैं, और इसके अलावा सरजिल इमाम और कई ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं उनके पोस्टर भी लगाए गए हैं, और अपनी डिमांड में ये भी लिखा गया है कि इन लोगों को भी रिहा किया जाए, तो क्या ये किसान आंदोलन का एक पार्ट है या इसको किसी और ने हाईजैक कर लिया है? रवि जी, दीपक सर, ये सरासर गलत है। जिन्होंने ऐसा किया है, जो इस किसानों के अलावा अन्य बात कर रहे हैं, उनको तुरंत सरकारी एजेंसियों को एक्शन में आना चाहिए, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये कहना है वहां किसान नेताओं का। लेकिन आवाज आ रही है, लेकिन उसके बाद भी रवि जी, लगातार अगर हम हमारे देश की ही बात नहीं करें, हम विदेशों में भी देखें, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, वहां पर भी किसान आंदोलन के नाम पे किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वो अपने राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपना खेल पूरी तरह से खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हम ये माने कि किसानों की कहीं ना कहीं कमजोरी है, या फिर सरकार की जो एजेंसी है उनको भी इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए? दरअसल सर, जिस भी मुद्दे पर, अब आप मेरी इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, पर मेरा अधिकार है, जैसा कि आपके कार्यक्रम का नाम भी अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी भी मुद्दे को खत्म करने का अंतिम हथियार मोदी सरकार का सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसे देशभक्ति की तराजू में तोल दिया जाए, राष्ट्रवाद की तराजू में तोल दिया जाए। लेकिन वहां पर नहीं, मैं बता रहा हूं मेरी बात तो जो पोस्टर वहां दिखाई दिए गए, उन तुरंत जिन्होंने जो भी उसमें चेहरे नजर आ रहे हैं, क्या भारत सरकार के पास इतनी ताकत नहीं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? और वहां जो मंच पे जो किसान नेता है सर, उन्होंने सबने ये कहा है कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आप तकरीबन 3 से 4 लाख किसान, जहां तक मैंने सुना है, वो दिल्ली घेर कर बैठे हुए हैं। 3 से 4 लाख किसानों के अंदर 30 और 40 ऐसे लोगों की गिनती आप कैसे कर लेंगे? किसान कैसे उनको रोक लेंगे? और सबसे बड़ी बात, एक और मैं आपको बात बताता हूं सर, इस किसान आंदोलन के लिए आप कह रहे हो राजनीति होती है, मेरे इलाके से जहां मैं श्रीगंगानगर बीकानेर की बॉर्डर पर रहता हूं, यहां रावला और घड़साना किसान आंदोलन 2004 का आपने भी सुना, राजस्थान का आप कसर कवर करने भी आए थे, उस दौरान जो यहाँ के किसान नेता थे वो यहां से 15 दिन पहले दिल्ली जा चुके हैं, उनको मंच पर बोलने नहीं दिया गया, अभी तक भी उनकी एक भी टिप्पणी आप मुझे दिखा दीजिएगा उनका मंच के ऊपर से भाषण, वो सिर्फ अपना मोबाइल लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं सोशल साइट्स पर। तो क्यों नहीं बोलने दिया? मैं बताता हूँ, खेल हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है, जो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जो राजनीति, जो किसान है उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, जो किसान नेता जो राजनीति करते हैं, मेरी बात सुनिएगा सर, माकपा के नेता यहाँ पर विधायक बन चुके हैं, उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और फिर भी वो खुश हैं। कांग्रेस के ऐसे लीडर जो मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, किसान नेताओं द्वारा कह दिया गया, जो राजनेता है, विधायक, पूर्व विधायक, पंच, सरपंच, प्रधान, पूर्व और मौजूदा, ये हमारे यहाँ पर नहीं चढ़ेंगे, इस बात की गवाही मैं दे सकता हूँ कि आप ये मान सकते हैं, वहां सिर्फ किसान नेता ही मंच से ऊपर उस समूचे आंदोलन को लीड कर रहा है। अब रही बात इस तरह रही बात आपकी भी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं पंशील जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने खुद ने देखा है, करीब 13 ऐसे किसान संगठन हैं जो कि वामपंथी दलों से जुड़े हुए हैं, जो लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, वो सारे लीडर आज किसान बनकर वहां पर बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि कहीं उन्होंने किसान को बरगला रखा हो, या जो किसान की मांग है उनको वहीं पर अटका रखा हो? 2 बसें वो लेके आए थे, वहां के एक विधायक है, उसमें से 90 आदमी वो है जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, और 10 आदमी जो खेती वाले हैं वो उनको, उन्होंने गिट्टी और मोरों के वहां पे ठेके दिलवा रखे हैं, विधायक जी ने उनको वो साथ लेके आए हैं। और एक चीज में, मेन चीज इसमें देखने वाली है, विधायक जी ने जब ये कॉल दी थी कि सब लोग आइए,
तो लेकिन बाकी लोग जब तैयार हो उन्होंने कहा नहीं हमें खाली सिख लोग चाहिए वहां चलने के लिए। ये ढूंढ के 100 सिख लोग वहां पे लाए हैं ताकि ये एजिटेशन जो पंजाब से चली वो ये प्रूफ करना चाहते हैं एजिटेशन पंजाब की, सिख हमारे साथ हैं, उसमें कोई फार्मर 90 फार्मर नहीं है, हम आपको जहां चाहो उनकी गारंटी दे सकते हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है, बिजनेसमैन है कुछ जो ये मॉडर्न बजरी का जो वहां का काम करते हैं ये सारे वो लोग हैं। देखिए किसान इतने बेवकूफ तो नहीं है कि किसी के बरलाने से आ जाएंगे, कोई बच्चे नहीं है किसान। 13 संगठनों की जुड़े हुए हाँ ठीक है, लेकिन किसान पूरे देश की एक मत है, सरकार के साथ कोई नहीं है, सब एक मत है, और किसान इतने बेवकूफ नहीं है किसी के बरगलाने से काम हो जाएगा। किसान खुद देख रहे हैं कि ये इनका इनको बहुत एक कॉर्पोरेट्स के लिए हाथ में दे दिया जा रहा है, एमएसपी हट जाएगी, सरकार कोई परचेज करेगी नहीं, और बाजार मूल्य आज भी नहीं मिल रहे हैं। अगर एमएसपी नहीं हो, सरकार अगर एमएसपी पे माल नहीं खरीदे, अपने गोदामों में नहीं रखे, तो आज भी किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे, और सरकार तो आगे हाथ झाड़ लेगी, सरकार कुछ खरीदेगी नहीं और किसानों को कॉर्पोरेट्स के ऊपर छोड़ देगी और वो उसका गलत फायदा उठाएंगे और किसान पिस जाएंगे। एक खेती इतना मुश्किल काम है जी, 6 महीने तक उनको अपनी खेती को बच्चे की तरह पालना पड़ता है, उसको हर बार देखना पड़ता है, रात रात भर जगना पड़ता है, रात में पानी देते हैं, जंगली जानवरों से बचाते हैं, नील गायों से बचाने के लिए रात रात भर जागते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद उनको फसल मिलती है, इसमें भी कई बार अतिवृष्टि हो जाती है और कई बार सूखा पड़ जाता है तो उनकी फसल चली जाती है। तो इतना मुश्किल से किसान जो अनाज पैदा करता है और सरकार उसकी बात ही नहीं सुन रही है। आज 15 दिन से वो इतनी सर्दी में सड़क पे बैठे हुए हैं, 15 लोग मर गए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार सिर्फ अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। सरकार मैंने देखा है ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है, ये जो सोच रही है वो करेगी। नहीं, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने जो है तोमर आज 15 दिन से एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, उन्होंने किसानों को आमंत्रण दिया है आज, लेकिन किसान अपनी दे चुके हैं जिद पर भी अड़े हुए हैं कि वो तीनों बिल पहले कैंसिल होंगे उसके बाद हम बातचीत को तैयार होंगे, लेकिन सरकार ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो बिलों में संशोधन कर सकती है, उनको पूरी तरह से हटाएगी नहीं, तब कहां पर निर्णय आकर रुकेगा कि इसका कड़वा सच यह, केवल कुछ स्थान विशेष के किसान ही क्यों दिल्ली कूच कर रहे हैं? अगर देश का किसान प्रताड़ित हो रहा है तो पूरे देश के किसान क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हैं? जरा सोचकर देखिए, कुछ स्थान विशेष के ही किसान जा रहे हैं, क्योंकि मेरा देश गाँवों का देश है। मैंने पहले कहा, आप भी सहमत होंगे कि हमारे गाँव के अंदर 85% जो जनता है देश की ग्रामीण अगर है तो अन्नदाता किसान भी गाँव में रहते हैं। पूरा देश क्यों नहीं कूच कर रहा? कुछ लोग ही विशेष क्यों कूच कर रहे हैं? अन्नदाता के नाम पर जब कुछ लोग सेलेक्टिव चुप्पी और सेलेक्टिव विरोध के तराजू पर बैठकर बिक जाते हैं तो यही होता है जो हो रहा है। फिर कह रहा हूं मैं, अन्नदाता के नाम पर जब कुछ लोग सेलेक्टिव चुप्पी और सेलेक्टिव विरोध के तराजू पर बैठ जाते हैं तो यही होता है जो हो रहा है। सच्चाई यह है, देखिए आज के समय में जो आज का सत्य है ना, वो ये है कि इस समय हमारे देश का जो सच्चा किसान है वो कटाई मड़ाई जुताई बुवाई सिंचाई में इतना व्यस्त है कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। ऊपर से समाज में शादियों सहित अनेक आयोजनों में भी उसको जाना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि वो आंदोलन में आएगा सच्चा किसान? नहीं, ये जो आड़ती हैं बिचौलिए हैं दलाल हैं उनके विरोध से डरकर पहले की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी। अपनी फसल का जब किसान अन्नदाता सीधा पहचान कर पाएगा बिना दलाली दिए तो क्या वो फसल का उचित मूल्य नहीं पाएगा? सोचकर देखिए, अपने पेट का बिना हिलाए अन्नदाता की मेहनत के ऊपर ऐशो आराम कर रहा है, इन दलालों का आराम चला जाएगा, और यही बौखलाहट इस आयोजित किसान आंदोलन का मूल आधार है। रवि जी, लेकिन सरकार एक एग्जांपल के साथ एमएसपी नहीं सर कानून में सम्मिलित कर दे जी, क्यों नहीं कर रही है एमएसपी? क्यों नहीं कर रही है? सम्मिलित करने के लिए तैयार है सरकार? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ एमएसपी की है जनसर, एमएसपी आज भी सरकार कानून में सम्मिलित कर दे तो किसानों को आपत्ति नहीं होगी। जनसर इसमें दीपक सर, एमएसपी की जहां तक बात है तो आप ही की बात मैं कह देता हूं, जो कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम एमएसपी का लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, इस बात को सुनते हुए आज तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं,
और सरकार देना चाह रही है एमएसपी को लिखित में आश्वासन देना चाह रही है, परंतु ऐसे एमएसपी नहीं होगी सर। हम दरअसल इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे अभी जैन साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, किसान हित की बात कर रहे हैं, पर जैन साहब किसान सहानुभूति का भूखा नहीं है। रात को जगता है तो मैं मेरे काम से जगता हूँ, नीलगाय आती है उसको रखवाली करता हूँ, तो मैं मेरे खेत की फसल को बचाने के लिए कर रहा हूँ। शहर वाले जो, यही तो इस सरकार का खेल हो रहा है सर, वो ये कह रही है कि मैं अन्नदाता नहीं हूँ, ऊपर वाला अन्नदाता है। या जब मुद्दे सारे घूम के यही आ जाते हैं, हर चीज में मुश्किल होती है, हर काम में मुश्किल होती है सर। मैं रिपोर्टिंग करता था, जान का खतरा रहता था, मैं रिपोर्टिंग करता था, रात को मेरा संपादक जी फोन कर देते थे, वो एक अलग इशू हो गया। बात यहां पर कहां अड़ी हुई है सर, एक वो सामान्य भाषा में बताता हूं, किसान इन तीनों कानून को रद्द करने की बात क्यों कर रहा है। दरअसल किसान इतना भोला है कि जब खेत, जब उसको फसल काटने के बाद में अगली फसल की बिजाई करनी होती है, तो वो अपने खेत को कल्टीवेट करता है और क्रावा लगाता है सर। क्रावा मतलब समतलीकरण करता है। अगर आपके काम में पिछली बार मेरे से गलत कहीं कल्टीवेट हो गया, गलत बीज पड़ गए या गलत खरपतवार उग गई, तो मैं मेरे खेत में क्रावा लगाऊंगा, समतलीकरण करूंगा। अब इस बात को कृषि मंत्री मान चुके हैं कि इस कानून के भीतर कई खामियां हैं। आरएसएस का जो भारतीय किसान संघ है वो मान चुका है कि हमसे नहीं पूछा गया, कानून में कमियां है। अब जब कमियां हैं तो किसान तो सीधी जट बुद्धि है सर, वो कहता है कमियां हैं तो इनको हटाइए, नया बैठ के डिस्कस करेंगे, मतलब क्रावा लगाइए, समतलीकरण कीजिए, वापस पुनः किसानों के पास। हमारी सरकार है साहब, हमने बहुमत से ज्यादा सीटें मोदी जी को इन किसानों ने दिलवाई है। 2 सीटों पर थे, 350 प्लस इन किसानों की वजह से हुई है। हमारी सरकार है, हमारा हर अधिकार है हमारा कि हम इस किसान से ये मांग कर सकें कि आप आइए बैठिए, हमारा कानून वो बनाइए जो हमें चाहिए, हमें प्रैक्टिकली हमें खेत में क्या समस्या आ रही है। आपने मनमर्जी से उद्योगपतियों से पूछा, आपने इंटरनेट पर सर्वे करवा लिया गांव-गांव, आपने जिस तरह से आप अपनी मीटिंग करवाते हैं भाजपा पार्षदों की, इस तरह से मीटिंग आपके भारतीय किसान संघ की करवा ली और आपने एक कानून बना दिए। गलत बात साहब, ये कानून नहीं है। आप मानिए, आज पंसिल जैन साहब, इनकी अगर हम सरनेम की बात करें, जैन साहब आप क्या उम्मीद करते हैं, किसानी की बात करने लग गए हैं वो? आप ये सोच के देखिए, आप जट का एक और एक कहावत है सर, पंजाबी गाना है, मैं खेती भी करता हूं, हिड़कत हिड़कत जावे, जो जट की जून होती ना सर, किसान की जून, वो हिड़कत हिड़कत ही मर जाती है। और जब अपनी हमारी खुद की सरकार आई है तो हमें अपेक्षा है कि ये हमारे तरह का कानून बनाएगा। शहरों में आजकल चर्चाएं क्या चल रही है साहब, कि किसानों को सब्सिडी मिलती है, किसानों को सब कुछ फ्री का चाहिए, ट्रैक्टर सब्सिडी का, डिग्गी सब्सिडी की, ट्यूबवेल सब्सिडी का, बीज सब्सिडी के, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कहते हैं। वो आइए, तकरीबन 5-7% किसान ऐसे होंगे जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और जिनको पता है कि इसका, वो भी नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले किसान। बिल्कुल रोजी, सरकार का यही कहना है कि जो किसान है सर, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैं माफी चाहता हूं, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप धरातल पर आइए, किसानों के मनमाफी कानून बनाइए, इन तीनों कानून को रद्द करिए, उसके बाद में अब सरकार का यही मानना है रवि जी। सरकार यही कह रही है कि जो 60 सालों में किसानों को अब तक नहीं दिया गया है, वो किसानों को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देने के लिए तैयार है। ये तीन कानून नहीं दे रहे हैं। अगर अपनी बात को रखे, अपनी समस्या को रखे, इन बिलों में संशोधन करेंगे, क्योंकि परिवर्तन देखिए होता है तब उसके बाद ही कुछ नया होता है। परिवर्तन कहते हैं प्रगति का नियम है। तो सरकार यही कह रही है कि आके हमसे बातचीत करे और उसमें क्या हल निकल सकता है उस पे वो पूरी तरह से, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो बिचौलिए हैं वो पूरा पूरा किसान का फायदा लेते हैं, सीधे सीधे किसान तक उनका फायदा नहीं पहुंच पाता है। पंशील जी, देखिए, सरकार जो किसानों के बहुत भलाई की बात कर रही है और जो भलाई वो चाहते नहीं है वो भलाई सरकार उनकी कर रही है। मुझे जो चीज चाहिए ही नहीं, लेकिन सरकार मेरे को जबरदस्ती बोल रही है कि नहीं, ये तुम्हारी फायदे की है, तुम लो। अब ये कैसी बात है कुछ समझ में नहीं आ रही। किसानों को फायदा नहीं लग रहा और सरकार बोल रही है कि तुम्हारे फायदे का है, तुम इसको लो। या तो सरकार किसानों को समझाने में नाकाम रही है, वो पूरी तरह से समझा नहीं पाई है किसानों के, वो क्या देना चाहती है। नहीं, सरकार की नीयत में खोट है, बात ही नहीं कही, नीयत में खोट है, वार्ता ही नहीं की गई। खोट नहीं होती तो किसानों के समझ में आ जाती, लेकिन समझने समझाने की बात नहीं है। रवि जी, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार सभी के संपर्क में रहते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि दिल्ली में जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले खुद दिल्ली जाकर आया हूं, मैं वहां पर देख रहा हूं कि वहां पर अधिकांश जो किसान लोग बैठे हैं वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हुए, बाकी पूरे देश के किसान कहाँ हैं?
सर मेरी इच्छा तो बहुत है मैं आपसे आके जयपुर आज ही मिल लूं, पर मेरी जेब में पैसा नहीं, स्वागत है आपका, आइए। नहीं, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, समृद्धशाली किसान पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा का ही है। आप जो सवाल आपने पंसिल जी से पूछा था कि 6 महीने का राशन लेकर वो पहुंच चुके हैं, तो मोदी जी ने पिछले इतने सालों में 6 महीने का राशन तो उनको इतना एडवांस दे दिया कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के देर की राजधानी में आ जाए। ये बात गलत है सर, हरियाणा पंजाब के किसान आजादी से पूर्व भी समृद्ध थे। आप कह रहे हैं आजादी से पूर्व से ही समृद्ध किसान की श्रेणी में आते हैं। और रही बात एमएसपी की, सिर्फ देश के 6% किसान, सरकारी आंकड़े हैं सर, देश के 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले रहे हैं। 94 किसानों को एमएसपी से नीचे ही अपना दाम बेचना, अपना अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। अब रही बात ये हरियाणा पंजाब के किसान ही क्यों नजर आ रहे हैं साहब, इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनको खेती के इतने तरीके पता है सर, इतने तरीके पता है कि अगर कोई खेती में कोई नया इनोवेशन होता है तो सबसे पहले हरियाणा पंजाब में होता है। हरियाणा पंजाब ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान का गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन देता है, राइस का सबसे ज्यादा उत्पादन देता है। वहां के किसान जो है वो प्रतिभाशाली किसान है। मेरे पास मैं किसान का मतलब ये नहीं है, तो पूरे देश के किसान है, वहां पर संसाधन ज्यादा हो सकते हैं। मेरा निवेदन सुनिए, किसान समस्याएं भी है, ट्रेन भी नहीं चल रही है, ट्रेन भी नहीं चल रही, मामला है, ट्रेनें भी नहीं चल रही है, बहुत सी समस्याएं सर। किसान जरूरी नहीं है कि किसान का चेहरे में ख्याल आते ही, मस्तिष्क में ख्याल आते ही नजर आए कि वो फटेहाल होगा। आजकल किसान थोड़ा ये टेंडेंसी हो चुकी है। अब हमें वहां सिर्फ पगड़ी ही पगड़ी नजर आ रही है। तो साहब आपकी भीड़ में सरदार जी तो वैसे भी 100 आदमियों में एक सरदार हो तो अपनी पूर्ति पूरी कर जाते हैं, और वहां पर कितने सारे लोग पहुंचे हुए हैं। तो सर हमें ऐसे नहीं गिनना होगा ना, बिहार के किसान क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप सोचिए ना, बिहार के किसान कितनी दूरी दिल्ली से रह जा रही है, और बिहार के किसानों की मासिक आय और पंजाब के किसानों की मासिक आय कितनी है? पंजाब का ऐसा कोई घर नहीं होगा सर, लगभग 70% जिसके बेटे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना बैठे हो, उनका खर्चा वहां से चल रहा है, पैसे वहां से उनके बेटे कमा रहे हैं। आप इन बातों पर भी जरा गौर करिए। रही बात उनकी, बात उनकी वाजिब ये है कि साहब ये किसान जो कानून है ना साहब, ये जट है जो अड़ गया, ये कानून हमसे पूछ के नहीं बनाए गए, हमारा इसमें कोई भला नहीं। पिछले 60 सालों तक क्यों नहीं अड़े, जब उनको इतनी परेशानी थी, इतनी दिक्कतें थी, तो 60 साल वो आत्महत्याएं क्यों करता रहा किसान? तभी तो मोदी जी को लेके आए 2014 में, 2 सीटें थी बीजेपी की जी, हम 300 से प्लस इसीलिए तो लेके आए कि 60 सालों में हमारा काम नहीं हुआ, हमें समझ ही नहीं आई, हमें पता ही नहीं चला। किसान सोच रहे हैं कि वो 60 साल ही पहले वापस दे दो, हम वापस दे दो। ड्रिप इरिगेशन इंडिया में कब आया सर? इजराइल से हम सीख के आए 5 साल पहले, मोदी जी नहीं लेके आए। बात ये नहीं है कि उस टाइम क्यों नहीं मरे सर, एक सांपनाथ एक नागनाथ, ये क्या बात हुई? हम सांपनाथ से तो हम साहब बच गए, अब ये लो आप यहाँ नागनाथ बन के हमें डस लो, ये गलत बात है सर। 60 साल में हमें कुछ नहीं मिला, इसीलिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्लस है, न कि हिंदू मुस्लिम की वजह से। आप सोच के तो देखिए ना तमाम बातों को, बिल्कुल। अब रही बात सर इस कानूनों की, ये कानून अगर वापस होते हैं तो किसान बातचीत के लिए तैयार है। और अभी आप कह रहे हो कि कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब किसान बातचीत नहीं कर रहे, दिल्ली बैठे इसीलिए बातचीत करने के लिए। लेकिन सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा, तो क्या नतीजा निकलेगा? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। यही चिंता का विषय है आज, मेरी चिंता का विषय भी यही है। ठीक है, गुस्सा अपनी जगह है, अपने अपने कर्म से उसके प्रति प्यार रखना, उस कर्म को हमेशा डिफेंड करना अपनी जगह है, लड़ना भी चाहिए, अपनी बात लड़ना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए। पर कहीं अगर कहीं चिंता है, डर है, तो वो यही है। जहां तक पंसिल जी भी बोल चुके हैं कि मोदी सरकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली नहीं है, इतनी आसानी तो छोड़िए, मानने वाली नहीं है पंसिल जी। मोदी सरकार मोदी सरकार नहीं मानेगी तो इस बार किसान भी नहीं मानेंगे। ये किसान नेताओं का, उन किसानों का, उनकी तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार तो मोदी जी को मानना पड़ेगा। एक बात और बता दूं सर, पत्रकार और किसान दोनों की दिमाग अप्लाई कर जितना वक्त लंबा ये किसान आंदोलन खींचेगा, भले ही ये फेल हो जाए, जितना वक्त लंबा ये खींचेगा और मोदी जी चाहे कुछ भी निकाल के ना दे, ये बीजेपी अपनी कब्र खोद रही है, इतना तय है पंशील जी। निश्चित ये ठीक कह रहे हैं, इससे सरकार को नुकसान ही हो रहा है। किसान एक बहुत बड़ा तबका है और किसानों को नाराज करके सरकार मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि सरकार ने जो पिछले जो किए हैं, नोटबंदी का किया है, या फिर राम मंदिर का किया है, या कश्मीर का मुद्दा किया है, या NRC पे किया है, हर टाइम ये देखा सरकार अड़ी रही, और जो आंदोलन करने वालों को या तो सही उन पे कड़ाई की या नहीं माने तो उसको
हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान हिंदुस्तान या देश के नाम से या कुछ नाम से भी उनको इस आंदोलन को खत्म किया है और खत्म होते आए हैं आंदोलन। काफी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, उनका ये मानना है कि लगातार दिल्ली के भी काफी लोग जो है वो परेशान है क्योंकि आए दिन यहाँ पर आंदोलन होते रहते हैं, रास्ता रोका जाता है, इसमें आम जनता का कहां पर दोष है, उनका ये मानना है। लगातार हमारे एक जानकार हैं जो कि गुड़गांव से उनकी माताजी का ऑपरेशन करने के लिए वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे लेकिन उनकी करीब 2.5 घंटे तक गाड़ी को रोका गया। तो आप इसको क्या समझते हैं, क्या अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के पीछे हम किसी की जान जोखिम में डाल सकते हैं? क्योंकि लगातार जब सीए का आंदोलन हुआ था या दूसरे आंदोलन हुए थे तब किसान नेताओं ने ही कहा था कि रास्ता रोकना इसका हल नहीं है और आज उसी रास्ते पे सारे हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं, ये कितना उचित है? ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है, ये सोचना पड़ेगा। केवल किसानों को हम दोष नहीं दे सकते, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों नहीं इसका समाधान निकाल रही है? लेकिन अपने हक को लेने के लिए आप किसी दूसरे के हक को छीनते हैं, ये कितना उचित है? रवि जी, सर उदाहरण सेट करना पड़ता है, यही वो सरकार के कारिंदे और यही वो नेता हैं जिन्होंने सड़कें जाम किए हैं और डिलीवरी जो है वहां सड़कों पर ही हुई है और बीमारों का मौत भी है वहीं हुआ है। ये गलत बात है। आम जनता, निश्चित रूप से आम जनता के प्रति तमाम लोगों को सहानुभूति होती है। आज किसान आम जनता से अपेक्षा कर रहा है कि जनता जो है वो भी किसानों का साथ देगी। मैं कुछ देर पहले ही, सर मैं काफी लंबा सफर करके आ रहा हूं और आपके इस इंटरव्यू के लिए चूंकि मैं बड़ा कौतूहल में था कि दीपक सर जैसे व्यक्ति अगर मुझ जैसे व्यक्ति को साथ जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है आपके साथ जुड़ने से, पंचशील जी जैसे व्यक्ति से सुनने से मुझे सीखने को मिल रहा है। अभी नो फार्मर नो फूड, इसके बैनर छोटे छोटे कस्बों में बांटे जा रहे हैं। मेरे पीछे ट्रॉली गुजरती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये किसान है क्या, इसे जरूरत नहीं है दिल्ली जाने की? ये अब इसका, इसकी गणित बताता हूं सर, ये इसमें इसके अंदर कॉटन है, रुई है और ये सरकारी खरीद पर बेचने के लिए लाइन में लगेगा, जाकर 3 दिन लाइन में रहेगा और इसको वो एमएसपी नहीं मिलेगी। ये एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर पूरा सिस्टम जो है ना सर वो सुधारना पड़ेगा और सिस्टम सुधारने के लिए इन कानूनों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एमएसपी आप तय कर दीजिए, सजा तय कर दीजिए, उसको कानूनी अमली जमा पहना दीजिए और ये जो तीनों कानून मैंने जैसा आपको कहा इनमें सरकार ने इतने संशोधन कर दिए हैं कि अब तो सरकारी कारिंदे जो हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब इनको रख के क्या करोगे। तकरीबन मीडिया के अंदर 16 दिनों के अंदर 16 संशोधन तो कृषि मंत्री जी खुद कर चुके हैं बातों से कि ये भी वापस ले लेंगे, ये भी वापस ले लेंगे। तकरीबन 40 बातें सारी है, उसमें से 16 आप खुद खारिज कर रहे हो, तो वापस लेके नया बना दीजिए ना। पूरे देश के किसान वहां आए हुए हैं, यकीन मानिएगा सर आम जनता को पीड़ा होती है, उससे आपको भी पीड़ा होगी, मुझे भी पीड़ा होगी, आम किसान को भी पीड़ा होगी। कोई किसान खुश नहीं है आम जनता को पीड़ा पहुंचाकर, परंतु ये जिम्मेवार कौन है? जैसा कि पंसील जी ने कहा, इसका जिम्मेवार कौन है ये तय करना पड़ेगा। 16-17 दिनों से आंदोलन सड़क पे चल रहा है तो सड़क पे ही चलना था। इस बात की घोषणा पंजाब के हरियाणा किसानों ने 2 महीने पहले कर दी थी, रेल पटरियां रोक के बैठे हुए थे, सबको पता था, उनको पंजाब की बॉर्डर से रोकने के प्रयास शुरू हुए थे, अंततः वो दिल्ली पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वो बॉर्डर को छोड़ दें, हाईवे को छोड़कर सरकार के पास जाएं, सरकार के जहां तक मेरी जानकारी है सर, जहां तक मेरी जानकारी है देख रहा था और आप भी देख रहे हैं, किसान अपना काम भी कर रहा है, खेती बाड़ी भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैं आपका वीडियो देख रहा था रवि जी, आप खुद रात को 2 बजे उठ के इतनी भयंकर सर्दी में भी आप अपने खेतों में पानी दे रहे थे। तो आप लोगों की जो मेहनत है उसको हम सल्यूट करते हैं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आम जनता के लिए भी आपको सोचना चाहिए, हाईवे को छोड़कर साइड में बैठना चाहिए और अपनी बात रखने के लिए अपने नेताओं को आगे भेजना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार और किसान दोनों ही अपनी बात पे अड़े रहे तो इसका खामियाजादा सरकार को तो भुगतना ही पड़ेगा, किसानों को भी भुगतना पड़ेगा और आम जनता को भी इसकी तकलीफ उठानी पड़ेगी। चलिए शुक्रिया सर, आधे घंटे में ये तो निष्कर्ष निकला कि हमारी बातें तो है वो सुनने लायक है, हमें सुनी जा सकती है, बिल्कुल अपनी बात को रखने का अधिकार है। किसान जो है वो खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। रही बात रास्ते, आम रास्ते रोकने की, लेकिन किसान के नाम पर जो इसका फायदा उठा रहे जो भी ऐसा कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना, जो भी ऐसा कर रहे हैं देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री को उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। हम किसानों का कोई भी नेता एमएलए राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन पंचशील जी, लेकिन रवि जी, सरकार का जितना, सरकार के जितना उत्तरदायित्व है ऐसी विरोधी ताकतों को हटाने के लिए, उतना आपका भी है, हमारा भी है और उन किसानों का भी है। आज मेरे इर्द गिर्द भी अगर कोई इस तरह के देश विरोधी कोई नारे लगाएगा या देश को तोड़ने वाले नारे लगाएगा तो मैं वहीं पर उसका विरोध करूंगा।
खून खोलता लगता है कि किसानों को भी वहां पर उसका विरोध करना चाहिए और ऐसी ताकतों को जड़ से हटाना चाहिए। दीपक जी, किसानों को जो तकलीफ हो रही है, आम जनता की तकलीफ उतनी बड़ी नहीं है। वो 15 दिन से सर्दी में सड़कों पे बैठे हैं, 15 लोग मर चुके हैं। बिल्कुल, ये आपको पता होगा, 15 किसान वहां मर चुके हैं। तो उनकी तकलीफ इतनी बड़ी है कि हमको अपनी तकलीफ उनसे ज्यादा नहीं लग रही है। हम चाहते हैं कि किसान अच्छा रहे, किसान अपना थोड़ा बहुत पैसा जो कमाता है वो कमाता रहे, और किसानों के बल पे ही हम लोग पूरा देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारा किसान खेती प्रधान देश है, हमको किसानों को खुश रखना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल, देखिए अब समय की भी क्योंकि पाबंदी है, और चलते चलते मैं पंचशील जी पहले आपसे और उसके बाद रवि जी आपसे एक शॉर्ट में आपका फाइनल वर्जन लेना चाहूंगा कि इस आंदोलन को लेकर आप सरकार को, आम जनता को और किसानों को क्या कहना चाहेंगे। पहले पंचशील जी, उसके बाद रवि जी। मैं तो चाहता हूँ ये आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो, सरकार इसको सीरियसली ले, और किसान भी अगर कुछ बातों में सहमत हो सके सरकार से, तो अगर कुछ प्रोग्रेसिव कुछ मैटर हो, अगर हम आधुनिकरण हमारी खेती का करना चाहें तो उसमें किसान भी उनसे सहमत हो, लेकिन किसानों की बात सरकार माने और इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी समाप्त करे, ये जरूरी है देश के लिए। बिल्कुल, कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रगति का नियम है, अगर परिवर्तन करेंगे तो ही प्रगति होगी। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे आम जनता से, किसानों से और सरकार से? निश्चित रूप से दीपक सर, किसानों का और सरकार का जो गतिरोध है वो किसी भी सूरत में आगे जारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ना तो इसमें किसानों का भला है और ना ही सरकार का भला है। अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो इसमें किसानों को भी नुकसान है और इसमें इस मौजूदा सरकार को तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि किसान जो होता है वो आप उसे मान सकते हैं कि समाज, हमारे पूरे समाज का सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको माना जाता है। वो जो ठान लेता है वो करके रहता है, और शारीरिक श्रम उसने हमेशा अपने खेतों में दिखाया है, अब वो अपना मानसिक श्रम जो है वो देश की राजधानी में दिखा रहा है। निश्चित रूप से सरकार को अब उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है वो चीज मुझसे वापस ले लीजिए, आज नहीं तो जी तभी आकर यही किसानों को कन्वेंस कर लेंगे कि आपके फायदे के लिए ये चीजें हैं और ये चीजें हैं, इनको आप अपनाइए। उनको एडिशन के रूप में सामने लाया जा सकता है, परंतु मुख्य बात जो है वो कुल मिलाकर इतनी है कि जो किसान की उपज है उसका उसे पूरा दाम मिले, इसके लिए MSP को कानूनी अमली जमा पहनाया जाए और समूचे पूरे देश में, पूरे भारत वर्ष में, उसमें कहीं समवर्ती सूची, राज्यवर्ती सूची, इनका उल्लेख या ये कानूनी दाव पेचों में ना फंसाया जाए। किसान की जितनी फसल है उसकी, उस फसल का दाम मिलने के लिए MSP को कानूनी अमली जमा पहनाया जाए। उसके बाद में आप अगर किसानों के आधुनिकीकरण के लिए, उनको ज्यादा विकसित करने के लिए चार दूसरी चीजें लेकर आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेके आने चाहिए। प्रगतिशील किसान को होना पड़ेगा, परंपरागत जो खेती वो करता था उसको वो छोड़कर अब नए तरीके से खेती करनी पड़ेगी। उसका स्वयं का परिवार बढ़ रहा है और भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है, परंतु ये कहीं उचित नहीं है कि हम किसान को भूल जाए। किसान हमारी आत्मा में है, पहले भी था, आजादी से पहले भी था और आजादी की बात भी है। आने वाले वक्त में भी किसान ही तय करेगा कि इस देश में किसकी सरकार रहनी है। तो कम से कम किसानों के लायक, किसान जो चाहते हैं वो मान लीजिए, और अगर आप किसान का भला करेंगे तो ऊपर वाला भी आपका भला करेगा, इस बात को यकीन मानिएगा। सबसे सच्चे मन की अगर किसी कोई कौम है इस हिंदुस्तान में तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में नहीं कही जा सकती, वो किसान के रूप में कही जा सकती है, और किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। इस पर या इसके भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों के नाम पर इस समूचे किसान का मुंह जो है वो खालिस्तानी या पाकिस्तानी कहकर खराब ना करें। शुक्रिया। निश्चित रूप से हम भी ये चाहते हैं कि किसानों की जो भी उचित मांगे हैं उनको सरकार सुने और एक तरह से वापस देश जो है विकास की ओर अग्रसर हो। हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही हमारे शो को जो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप भी ध्यान रखें, हमारे किसान भाई भी ध्यान रखें, और पूरा देश जो है जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकलें। आप रवि जी आपका और पंचशील जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर हम कल आपसे एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।